सोमवार कन्नौज सीतापुर में पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच हुआ विवाद और गहराता जा रहा है। पुलिस ने जहां आरोपी अधिवक्ताओं की गिरफ्तारी के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं, वहीं अधिवक्ता भी एकजुट होते नजर आ रहे हैं। सीतापुर के अधिवक्ताओं के समर्थन में अन्य जिले के अधिवक्ता भी उतर आए हैं। शुक्रवार को तिरवा तहसील के अधिवक्ताओं ने पुलिस विरोधी नारेबाजी करते हुए जमकर हंगामा काटा। उनका कहना था कि पुलिस की दमनकारी कार्रवाई अधिवक्ता किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसके लिए अधिवक्ता आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार है। उनका यह भी कहना है कि यदि पुलिस बदले की भावना से कार्रवाई करेगी तो पूरे प्रदेश के अधिवक्ता पुलिस के विरोध में एक पटल पर नजर आएंगे। रिपोर्टर ज्ञानेंद्र दुबे के साथ अतुल शर्मा रिपोर्ट। क्या मामला है भाई, बताएं कुछ। क्या मामला था? सीतापुर में वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ पुलिस ने जरूरत से ज्यादा ज्यादती की है। उनके साथ वो व्यवहार किया है जो अपराधियों के साथ किया जाता है, जबकि अधिवक्ता अपराध को खत्म करने के लिए शासन और प्रशासन और न्याय के लिए लड़ता है। हम उसका विरोध करते हैं। पुलिस प्रशासन की इस कृत्य की घोर निंदा करते हैं और एसपी को समझ लेना चाहिए कि इस तरह के कृत्य करके वो अपने लिए कुआं खोद रहे हैं। दमनकारी नीति किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने दी जाएगी। पुलिस की जो ये दमनकारी कार्य ब्रिटिश तानाशाही जैसी जो कार्यप्रणाली है, इसको किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। और सीतापुर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता पुलिस की ईंट से ईंट बजा देंगे। उसको चैन की अधिवक्ता सर जिंदाबाद।